Today I am going to teach you vegetable science in horticulture because many students request me to teach every subject in periodical time so that every students of the discipline, different discipline or horticulture will be beneficial from my study. That's why I am going to teach you vegetable science. The science which deals with growing culture of non-woody herbaceous plants for food is called vegetable science. विज्ञान वह ऐसा विज्ञान जो शाकी पौधों के बारे में अध्ययन कराता है और उन्हें उनका उत्पादन किया जाता है तथा उन्हें सब्जी के रूप में शाकी पौधों को यूज किया जाता है, ऐसे विज्ञान को हम सब्जी विज्ञान या वेजिटेबल साइंस कहते हैं। रैदर दैन वेजिटेबल साइंस, वेजिटेबल साइंस की अपेक्षा, सब्जी विज्ञान की अपेक्षा, फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन लेटिन वर्ल्ड ओलिकल्चर इन मोस्टली यूज। वेजिटेबल साइंस की अपेक्षा लेटिन वर्ल्ड जो है ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छे प्रयोग किया जाता है। इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ड ओलेरी टेकन अप फ्रॉम लेटिन ओलस आर होलस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सब्जी। लिटरेसी मीनिंग ऑफ ओलेरी इज सब्जी एंड कल्चर मीन कल्टिवेशन। दस द ओलेरी कल्चर इज डिफाइंड एज द कल्टिवेशन ऑफ द वेजिटेबल्स। द टर्म वेजिटेबल इज अप्लाई टू द इजबल पोर्सन ऑफ हर्बेशियस प्लांट। सब्जी क्या है, जो शाकीय पौधे होते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, विशेष करके उनके भाग खाने योग्य भाग के लिए और पार्ट्स देयर ऑफ अथवा उनके खाने योग्य भाग के लिए। विच आर यूज फॉर क्यूलिनरी पर्पज, जो कि पकाने के उद्देश्य से यूज प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे पौधे के लिए, शाकीय पौधों के लिए सब्जी शब्द का उपयोग किया जाता है, जो पका करके आग के पका पे पका करके खाए जाते हैं। दस इस प्रकार ओलिकल्चर इज द ओलेरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। नेक्स्ट स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग, सब्जी उत्पादन का कार्य क्षेत्र तथा उसका महत्व। वेजिटेबल क्रॉप्स, द वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स एज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ डेली ह्यूमन डाइट हैज कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स। मौजूदा समय में जो सब्जियों के महत्व को विश्व स्तर पर जाना पहचाना गया है, इसके महत्व को भोजन में। फ्रॉम वेजिटेबल, जैसे सब्जियों से वी गेट मेनी स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस, बहुत से हम ऐसे रासायनिक तत्व प्राप्त करते हैं जो हमारे शरीर द्वारा नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए तथा उनके प्रजनन के लिए तथा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आवश्यक है। इन इंडिया वेयर वेजिटेरियनिज्म हैज बीन ए वे ऑफ लाइफ, भारत विशेष करके भारत में जहाँ शाकाहार जीवन का एक रास्ता है, और सिंस द अर्ली डेज ऑफ रिकॉर्ड हिस्टोरी, इतिहास के पुराने इतिहास के समय से वेजिटेरियंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट। भारत में जहाँ की शाकाहारी एक जीवन का अंग है, शाकाहारी होना, यहाँ पे सब्जियों का विशेष महत्व है, ऐसा इतिहास से आप लोग जानते हैं, प्राचीन इतिहास से भारत में सब्जियों का विशेष महत्व है। द फॉलोइंग थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग द वेजिटेबल फार्मिंग, जब भी आप सब्जियों की खेती करना शुरू करें तो निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखें, जिससे आपको सब्जी उत्पादन का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। सो देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप इन वेजिटेबल फार्मिंग इंडिया विदाउट एनी डाउट, इसलिए भारत में सब्जी
की खेती का बहुत बड़ा क्षेत्र तथा भविष्य है, निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है। द फॉलोइंग थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग ए वेजिटेबल फार्मिंग। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, रखकर अपने सब्जी उत्पादन के व्यवसाय को शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा निश्चित रूप से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर एक, कंज्यूमर डिमांड। यदि आप सब्जी उगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है, और उनके आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड, जो भी व्हाट यू आर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार आप अपने क्षेत्र में अगर सब्जी उगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उनका कीमत भी अच्छा मिलेगा और आपकी सब्जी खराब भी नहीं होगी। नेक्स्ट, मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें करेंट एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ द पर्टिकुलर वेजिटेबल, जो भी आप प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं उनका बाजार में क्या सिचुएशन है, उनकी स्थिति क्या है बाजार में, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके ध्यान में रख के आप उसका उत्पादन कीजिए तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, अवेलेबल मार्केट विद आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपके नियरेस्ट बाजार उपलब्ध है। दो प्रकार की बाजार होती है, एक होती है प्राइमरी एंड दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी बाजार नियरेस्ट होती है जहाँ पे हम आसानी से, बिकॉज द वेजिटेबल्स आर पेरिसेबल इन नेचर, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, इसमें वाटर की मात्रा काफ़ी होती है वेजिटेबल में, तो इस प्रकार से इसमें राटिंग वगैरह होती है अगर सही से ना, तो जल्दी तोड़ करके नियरेस्ट मार्केट में पहुंचा देते हैं, आप फ्रेश वेजिटेबल बेच के अच्छा पैसा ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी सम टाइम देयर इज ग्लट इन द मार्केट, कभी कभी ज़्यादा सब्जी पहुंच जाती है, तो हमको सेकेंड ऑप्शन रखना चाहिए कि कहाँ पे सब्जी की मात्रा कम है, ऐसे बाजारों में हम बेच करके ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन रखना चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का। प्राइमरी मार्केट वो होते हैं जो नियरेस्ट होते हैं, सेकेंडरी मार्केट थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन ग्लट होने पे, ग्लट व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ इज लेस देन अवेलेबिलिटी ऑफ द वेजिटेबल, जब सब्जी की उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम होती है मार्केट में, तो हम इस चीज़ को ग्लट कहते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, पहुँच जाती है सब्जी में। तो ऐसे हालात में सेकेंडरी मार्केट का विकल्प रखना चाहिए जहाँ हम अपनी सब्जी को ले जा करके बेच सकें। नेक्स्ट, बायर, खरीदार, ये देखना चाहिए कि वहाँ पे खरीदार कैसे हैं। बल्क बायर है, थोक में ज़्यादा मात्रा में लेना और समूह में लेने वाले, होलसेलर थोक में लेने वाले, अथवा रिटेलर जो फुटकर में लेने वाला, बायर खरीदार को ध्यान में रख करके अपने प्रोडक्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट, कीपिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट की कीपिंग क्वालिटी मतलब द प्रोडक्ट हुज मेंटेन देयर फ्रेशनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, काफ़ी देर तक अगर आपकी सब्जी फ्रेशनेस कंडीशन में रखने चाहिए, कहने वाले जी है हो दैट इट इज ऑर्गेनेबल वेजिटेबल और केमिकल वेजिटेबल। दो प्रकार से सब्जियां खेती की जाती हैं, एक रासायनिक खेती, दूसरी जैविक खेती। तो जैविक खेती अपना करके अगर आपने प्रोडक्ट अपना तैयार किया है तो निश्चित रूप से उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होगी और वो निश्चित रूप से अच्छे दाम पे मार्केट में बिकेगी। नेक्स्ट, टाइम, जैसा कि आप लोग जानते हैं द रेट ऑफ वेजिटेबल हायर बिफोर एंड आफ्टर मेन सीजन, जो सब्जियों का मुख्य मौसम प्रोडक्शन टाइम होता है उसके पहले यदि सब्जी का उत्पादन कर लिया जाता है अथवा मेन सीजन के कुछ दिन बाद किया जाता है, निश्चित रूप से उस समय पे आपको मार्केट में सब्जी का अच्छा दाम प्राप्त होगा, क्योंकि उस समय ग्लट नहीं होती मार्केट में। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव फार्मिंग। प्रोडक्टिव फार्मिंग मीन्स द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स आउट ऑफ देयर नॉर्मल सीजन, जब सब्जी का मुख्य सीजन होता है उसके बाद अथवा पहले जब सब्जियां ग्रो की जाती हैं, कुछ प्रोडक्टिव फार्मिंग सुरक्षात्मक खेती, जैसे ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, ग्लास हाउस है, यहाँ पे अकॉर्डिंग दैट एटमोसफियर कंडीशंस आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेजिटेबल, जो भी वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है उधर इट इज अकॉर्डिंग टू, बिकॉज द अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द लाइट रिक्वायरमेंट और टेम्परेचर, फोर वेजिटेबल आर डिवाइड इन टू थ्री टाइप्स,
साल्ट डे वेजिटेबल लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल। तो ये सब वेजिटेबल के लिए आप प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन में अकॉर्डिंग टू देयर नीड वेदर इट इज शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन वेजिटेबल लॉन्ग ड्यूरेशन और डे न्यूट्रल आप जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी है एक्सेट्रा यू कैन मेंटेन इन द प्रोटेक्टिव फार्मिंग और इसमें आप सीजन वेजिटेबल आप ग्रो करके अच्छा प्राइस ले सकते हैं मार्केट से। लॉजिस्टिक शुड बी लॉजिस्टिक इन नेचर यू शुड बी लॉजिस्टिक इन लचर होना चाहिए। अगर आपको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है कभी कभी तो भी आपको सब्जियां रोकनी चाहिए बेच लेनी चाहिए क्योंकि ये पेरिसेबल होती है जल्दी ख़राब होती है। आपको जो मिल रहा है उसको भी आप हाथ धो डाल